हमने स्टैंडर्ड 5th की सब्जेक्ट इंग्लिश पोयम 1 पढ़ी थी, आइसक्रीम मैन। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आइसक्रीम मैन गर्मियों में आता है, गलियों में घूमता है, उसको देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो अपनी अम्ब्रेला के नीचे और डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम के कोन भरता है ना। और बच्चे फ्लावर बेड और वो कार्ड को कंपेयर किया था पोइट ने, याद है ना आप सबको। अभी हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर 1 की पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है? डू यू नो द आंसर? यस, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। आइसक्रीम जो होती है वो समर सीजन में पॉपुलर होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देखकर किसको खुशी मिलती है, कौन खुश होता है आइसक्रीम मैन को मिलकर, किसको आइसक्रीम मैन को देखकर किसको मजा आता है? आंसर, चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। बच्चों को आइसक्रीम मैन को देखकर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज्यादा खुश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर्स की, अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम होती है आइसक्रीम मैन के कार्ट में? आंसर, द आइसक्रीम मैन हैज वेनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के कार्ट में वेनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम्स होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। ऐसी कौन सी दो चीजें आइसक्रीम मैन बेच रहा था, कौन सी दो चीजें बेच रहा था आइसक्रीम मैन? द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड चिल ड्रिंक्स फ्रॉम द बॉटल्स ऑफ फ्रॉस्टी फीज। जो आइसक्रीम मैन था वो आइसक्रीम बेच रहा था और एकदम चिल्ड ठंडी ठंडी ड्रिंक्स की बोतल बेच रहा था। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोयम। आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया है पोयम के अंदर पोएट ने? द आइसक्रीम मैन हैज कंपेयर टू ए फ्लावर बेड इन द पोयम। आइसक्रीम मैन ने जो आइसक्रीम कार्ट है उसको फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। जब आप आइसक्रीम खाते हो गर्मियों में तो कितना इंजॉयमेंट होता है और एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटिंग होता है खाना आइसक्रीम गर्मियों में। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। तो आपको ऐसे ही इंजॉयबल थिंग्स बतानी है, एक्साइटिंग थिंग्स बतानी है जो विंटर में करने से होती है, मजा आता है जो। तो ये आपको, आप इसका आंसर इसमें लिखा है, ये सैंपल है एक तरह से, आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी इसका आंसर दे सकते हो। नहीं तो इसमें सैंपल दिया है, आप क्या करते हो, फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन गो फॉर आइस स्केटिंग इन विंटर सीजन, सेकेंड वी कैन डू आइस क्लाइंबिंग, थर्ड वी कैन प्ले आइस हॉकी, फोर्थ वी कैन एंगेज इन डॉग लेगिंग एक्टिविटीज। वी कैन एंगेज इन डॉग लेगिंग एक्टिविटीज। वी कैन गो फॉर स्की जंपिंग। तो हम इस समर सीजन में आइस स्केटिंग करते हैं, आइस क्लाइंबिंग करते हैं, आइस हॉकी खेल सकते हैं, स्की जंपिंग कर सकते हैं। ये सब करने से हमको एक्साइटमेंट मिलती है विंटर सीजन में। तो ये हमारी अभी आगे की एक्सरसाइज, अभी आप इतना ही कीजिए, बहुत आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी ये जो मैंने सारे आपको रीड करके दिखाए क्वेश्चन आंसर, आपकी जो ये जो एक्सरसाइज है वो मैंने एक्सप्लेन की है, आप इसको रीड करो अच्छे से, नोटबुक में नोट डाउन करो और 2 टाइम नोटबुक में लिखो और इनको लर्न करो। अब जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। ओके okay.